हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि हैं नाइन और टेन अप्रैल मे के तो उससे पहले आप लोगों को क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आइकन को प्रेस कर देना है जिससे कि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सर्च करें ई एजुकेशन वाइज सोबित और बेल आइकन को प्रेस करें आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं सभी से बोलूँगा जल्दी से जल्दी शेयर कर लें और अब क्लास शुरू करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बन जाता है पेप्सिको यू ई EU, यू यूरोपियन अप्रूव्स यू एस पार्टिसिपेशन फॉर द फर्स्ट टाइम द यूरोपियन यूनियन रिसेंटली अप्रूव द रिक्वेस्ट ऑफ नॉर्वे कैनेडा ता� The United States to participate in Permanent Structure Cooperation PepsiCo Defense Initiative. This is the first time the European bloc allowed the third state to participate in the PepsiCo project. The country will now participate in the military mobility project in. यूरोप यूरोप में भी अब ये लोग क्या करेंगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी ये पहला पार्ट है जिसके अंडर में ये ये प्रोजेक्ट करेंगे इट वॉज द इंट्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन इंट्रोड्यूसड बाई द ट्रीटी ऑफ लेस्बन इन टू थाउजेंड नाइन में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अराउंड फोर फिफ्थ ऑफ पेप्सिको मेंबर्स आर

न्यूट्रल स्टेट बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेपाल्स कमीरीता रीता स्केल्स एवरेस्ट फॉर द रिकॉर्ड ट्वेंटी फिफ्थ टाइम्स पच्चीसवीं बार ये एवरेस्ट पे चढ़ी हैं नेपलीज क्लाइंबर रीता कामी रीता हैज स्केल माउंट एवरेस्ट फॉर द ट्वेंटी फिफ्थ टाइम ब्रेकिंग रिकॉर्ड हिज ओन रिकॉर्ड मोस्ट एसेंट बर्ड पीक ये कितने साल की इक्यावन साल की हैं और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है फर्स्ट टाइम कब चढ़ी थी 1994 में चढ़ी थी एंड हैज़ बिन मेकिंग द ट्रिप नियरली एवरी ईयर सिंस देन और हर साल ही ये एवरेस्ट का ट्रिप करती है मतलब उस पर चढ़ती हैं ही इज़ वन ऑफ द मैनी सिर्पा गाइड्स हुज एक्सपर्टीज एंड स्किल आर वाइटल टू द सेफ्टी एंड सक्सेस ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंबर ये गाइड भी हैं और मोस्ट स्किल्ड पर्सन है वहाँ पे जो लोग भी चढ़ने आते हैं इनकी हेल्प लेते हैं आ, नेपाल नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट नेपाली लोग क्या कहते हैं सागर मठ और तिब्बतन नेम इसका क्या है चोमू लुंगमा चोलू लुंगमा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमांत विश्वा शर्मा चूजन एज असम न्यू चीफ मिनिस्टर किसको बनाया है विश्व Himan, शर्मा को न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं हैज बीन नेम एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम पंद्रह ये चीफ मिनिस्टर बने हैं आठ में को इन्होंने शपथ है ही विल रिप्लेस इन कम्बेंट सर्वनंदा सोनोवाल को इन्होंने क्या किया है रिप्लेस किया ही विल टेक द चार्ज ऑफिस फ्रॉम द टें में से इन्होंने क्या ले लिया है चार्ज ले लिया है द बीजेपी पार्टी वोन अ सेकेंड स्टेट टर्म इन ट्वेंटी ट्वेंटी पोल इन ये बीजेपी से हैं द पार्टी वोन 60 सीट इन 126 ट्वेंटी सिक्स मेम्बर असम मिस्टर शर्मा ज्वाइन द बीजेपी सिक्स ईयर एगो इन टू थाउजेंड फिफ्टीन आफ्टर को कांग्रेस ये कांग्रेस छोड़ के दो हजार पंद्रह वाले इलेक्शन के टाइम में इन्होंने ज्वाइन किया था और तब से ये बीजेपी में है और दूसरी पिछली बार सर्वनंदा सोनोवाल थे इस बार इनको मिस्टर शर्मा को बना दिया गया है और असम के गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी हैं आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इंडियन आर्मी सेटअप कोविड मैनेजमेंट सेल फॉर रियल टाइम रिस्पांस। इंडियन आर्मी ने सेटअप बनाया है रियल टाइम रिस्पांस के जैसे कि कहीं भी रिक्वायरमेंट आती है तो वहाँ पे तुरंत ये लोग पहुँच सके या इन्होंने जो भी सेटअप बनाया है उसकी हेल्प से लोगों तक फैसिलिटीज़ पहुंचे। टू ब्रिंक ग्रेटर इफिशेंसी इन कॉर्डिनेटिंग रियल टाइम रिस्पॉन्स टू एड्रेस द एक्सपोनशियल राइज इन कोविड केसेज अक्रॉस द कंट्री इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं उसी की हेल्प के लिए इन लोगों ने असिस्टेंस टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन इन मिलिट्री हॉस्पिटल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको यहाँ से इधर से जहाँ पे पहुँचाना है ले जाना है ये लोग उसमें हेल्प करेंगे एडिशनल द आर्मी हैज डिप्लॉयड एडिशनल डॉक्टर इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट एंड पैरामेडिक्स एट वेरियस हॉस्पिटल और आर्मी ने क्या किया डिप्लॉय किया है डॉक्टर्स को भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को और पैरामेडिकल स्टाफ को भी द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज ग्रांट एंड एक्सटेंशन टू शॉर्ट सर्विस कमीशन डॉक्टर ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस टिल टर्टी वन विच हैजुमेंटेड द स्ट्रेंथ ऑफ ए एफ एम एस बाई टू थर्टी मोर डॉक्टर्स

और इस पर कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बन जाता है बस यही बन जाएगा कि किसने किया है तो इंडियन आर्मी ने किया है डीआरडीओ एंटी कोविड ड्रग टू डीजी रिसीव डीसीजीआई अप्रूवल फॉर इमरजेंसी यूज डीआरडीओ ने एक कोविड मेडिसिन डेवलप की है उसको भी अप्रूवल मिल चुका है द एंटी कोविड थेराप ड्रग डेवलप बाई डी आर डी ओ कॉल्ड ड्रग टू ज टू डी जी हैज बीन गिवेन इमरजेंसी अप्रूवल फॉर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसी जी आई ने इसका क्या कर दिया अप्रूवल दे दिया है द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकल एंड अलायंस साइंटिस्ट आई एन एम एस ने इसको डेवलप किया अलैब डिफेंस डीआरडी डेवलप द ड्रग इन कोलेबरेशन विद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ में मिलकर क्या किया है इसको डेवलप किया है टू डी ड्रग को सिग्निफिकेंटली हाई हायर प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट इंप्रूव्ड सिस्टमेटिकली एंड बिकम फ्री फ्रॉम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिपेंडेंस बाई डे थ्री इन कंपेरिजन टू सीओ सी इंडिकेटिंग एन अर्ली रिलीफ फ्रॉम ऑक्सीजन थेरेपी डिपेंडेंस इस इस ड्रग की वजह से क्या है जो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है उसको 42, 30, 42 तक इन्होंने क्या कर दिया है इस ड्रग ने कम कर दिया है चेयरमैन डीआरडीओ के जो हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था नाइनटीन फिफ्टी एट में हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है पीएम मोदी पार्टिसिपेट्स इन वर्चुअल इंडिया ईयू लीडर मीटिंग्स वर्चुअल मीटिंग में इन्होंने क्या किया पार्टिसिपेट किया है मोदी जी ने इस पे जानते क्या-क्या किया है तो पार्टिसिपेटेड इन इंडिया ईयू लीडर मीटिंग्स मीटिंग हेल्ड इन हाइब्रिड फॉर्मेट द इंडियन यूरोपियन यूनियन लीडर मीटिंग इज होस्टेड बाय पुर्तगाल पुर्तगाल ने क्या किया है? इसको होस्ट किया है इस मीटिंग को पर्टिकल करंटली होल्ड द चेयर ऑफ ग्रुपिंग पीएम मोदी अटेंड द इन, इवेंट एट इनविटेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल मिस्टर चार्ल्स मिकेल के इनविटेशन पे इन्होंने क्या किया है इनविटेशन के इवेंट को ज्वाइन किया है द लीडर ऑफ ऑल ट्वेंटी सेवन European Union member state as well as the President of European Council and European Commissions participated in meeting. This is the first time the EU hosted a meeting with India in U 27 format. European Council founded 9 December 1974 formation Huata. और लोकेशन इसकी ब्रुसेल्स बेल्जियम है यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ था फर्स्ट नवंबर 1993 में आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते न्यू डेली रैंक थर्टी इन ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स बाई नाइट फ्रैंक नाइट फ्रैंक ने जो इंडेक्स दिया है उसमें दिल्ली को थर्टी टू रैंक मिली है मुंबई को थर्टी सिक्स रैंक है एज यू कैन सी हियर और बेंगलुरु को फोर्टी रैंक है फर्स्ट रैंक जो मिली है सेंट जेन को मिली है फिर सेकेंड है संगई इसके बारे में जानते हैं नाइट फ्रैंक के बारे में ये लंदन बेस्ड लंदन बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक हैज रैंक न्यू दिल्ली एंड मुंबई इन 32 टू एंड थर्टी सिक्स पोजिशन रिस्पेक्टिवली इन ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स वाइल बैंगलुरु मूव डाउन बाई फोर प्लेसेज इन क्यू वन इन रैंक फोर्टी दिल्ली एंड मुंबई डिप्ट वन प्लेस इच इन सेम पीरियड एक एक पॉइंट क्या हुआ है ये लोग नीचे गिरे हैं और सबसे ज्यादा बेंगलुरु गिरा है जो कि पहले थर्टी सिक्स पोजिशन पे था बट अब फोर्टी पोजिशन पे है थ्री चाइनीज सिटीज सिटीज सेंजेन शंघाई एंड गेंगू लीड द इंडेक्स विद क्वार्टर सेंजेन रिकॉर्डेड द स्ट्रांगेस्ट परफॉर्मिंग वर्ल्ड रीजन विद ग्रोथ ऑफ एटीन पॉइंट नाइन परसेंट वाइल न्यूयॉर्क वॉज द वीकेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट विद नेगेटिव फाइव पॉइंट एट ग्रोथ सबसे वीकेस्ट कौन है न्यूयॉर्क है जिसका माइनस माइनस में आता है माइनस में है कितना फाइव पॉइंट एट तो आप हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा क्वेश्चन ये बनेगा कि रिसेंटली हु गेव द ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स इन विच न्यू डेली रैंक थर्टी टू या व्हाट इज द रैंक ऑफ न्यू डेली इन ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल तो रैंक कितनी है 32 है और ये किसने दिया है ये नाइट फ्रैंक ने दिया है आई होप आप लोग समझ आया होगा Next question पे चलते हैं। हैं के इसके बारे में जान लेते हैं कि लंदन यूनाइटेड किंगडम है इसका फॉर्मेशन हुआ था 1896 में और फाउंड फाउंडर कौन है हार्वर्ड फ्रैंक जॉन नाइट एंड विलियम रूटले क्या है फाउंडर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नयोमी ओसाका विंस टॉप टाइटल एट 2021 लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसको मिला है नयोमी ओसाका को वर्ल्ड नंबर टू टेनिस प्लेयर नयोमी ओसाका ऑफ जापान हैज बीन नेम्ड स्पोर्ट पर्सन स्पोर्ट्स वूमेन ऑफ द ईयर एट 2021 लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में इनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया second, uh, 2019, 2019 में इनको मिला था मैं टू रेफल नडाल ऑफ स्पेन वोन दी वन लोरेस्ट स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिस इज अकेंड टाइटल ऑफ द नॉडल नडाल नडाल हु आल्सो क्लेम द प्रेस्टिजियस अवार्ड इन 2011. इनको प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिल चुका है इसमें लिस्ट पे नजर डाल लेते स्पोर्ट मैन ऑफ द अवार्ड किसको मिला है राफेल नडाल को मिला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है नोमी ओसाका को मिला है टीम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है ब्रैन म्यूनिक ब्रेक थ्रू ऑफ अवार्ड किसको मिला है पैट्रिक महामोज और कम बैक ऑफ द ईयर अवार्ड मैक्स पेरेट स्पोर्ट्स ऑफ गुड अवार्ड किसको मिला है किक किक फॉर्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिल बिली जीन किंग एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड लुइस हैमिल्टन जो कि फार्मूला वन के स्पोर्ट्स इंस्पायरिंग अवार्ड किसको मिला है मोहम्मद शाह को सलाह को स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है क्रिस निक को मिला है आई होप आप लोग को समझ आएगा इसका आप स्क्रीन ले सकते हैं अनुपम केयर विंस बेस्ट एक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अनुपम को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है कहा पे न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में Anupam Kher won the first actor award for his performance in short film Happy Birthday at the New York Film City Festival. The film has been directed by Prasad Kadam and produced by FNP Media. Anupam Happy Birthday stars and Ahana Kumra. The film also won the best film. शॉर्ट फिल्म अवार्ड एट द फेस्टिवल बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड भी इसको मिला है ये हम हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है लुइस हिज फिफ्थ हेमिलसिव स्पेनिश प्रिक इन्होंने फिफ्थ ग्रैंड प्रिक को क्या किया है <coughs> जीता है लुइस हेमल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन वोन दी फर्स्ट स्पेनिश ग दिस विन हिज फिफ्थ सक्सेसिव स्पेनिश ग्रांडप्रिक टाइटल ऑफ लिस हेमल्टन एंड थर्ड विन ऑफ दिस सीजन इस सीजन का थर्ड है और अभी तक इन्होंने कितने फिफ्थ टाइम ये स्पेनिश ग्रैंड प्रिक जीता है मैक्स वार्टस्पेन रेड बुल रेसिंग नीदरलैंड का सेकंड फॉलोड बाय व्लैटरी बोटास जो कि मर्सडीज के हैं फिनलैंड और फिनलैंड से हैं इनकी थर्ड पोजीशन रही है द रेस वाज़ द फोर्थ राउंड ऑफ द 2021 ट्वेंटी वन फार्मूला वन चैंपियनशिप ये आज के नाइन और टेंथ के करंट अफेयर क्वेश्चन हैं आज के हम लोग पिछले दिन के रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे तो रिवीजन क्वेश्चंस के लिए

लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है यह लॉन्च टू एमडीज विच कंट्री किस कंट्री के साथ में चाइना ने सारे अपने एग्रीमेंट्स को तोड़ दिया है या कैंसिल कर दिया बैन कर दिया है तो यह है ऑस्ट्रेलिया वॉट स्कीम डिड केरला रन टू प्रोवाइड थर्टी लैक न्यू कनेक्शन बाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन से वाटर लाइफ मिशन सबके घर पे पानी देने के लिए यह मिशन चलाया गया है विच कंट्री है सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग अ सिंगल डोज वैक्सीन ऑफ कोरोना किस कंट्री ने यह रशिया गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट इंडिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन फैसिलिटी ऑफ कोरोना पेशेंट किस किस गवर्नमेंट किस स्टेट गवर्नमेंट ने तो ये है हरियाणा ने ए आई एन आर सी लीडर एन रंगस्वामी इज स्वर्ण विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच यूनियन किस यूनियन टेरिटरी के बनाए गए हैं तो यह है पुडुचेरी विच एरोपेस कंपनी सक्सेसफुली लैंडेड द स्टारशिप एस एन फिफ्टीन विदाउट डिटोनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम किस कंपनी ने ये स्पेस एक्स कंपनी ने क्या किया है अपना इस्टेब्लिश किया है एस फिफ्टीन हाउ मैनी हॉर्स पावर डेट द इंडियन रेलवे पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव थर्टीन बी इंजन कितना पावर को बढ़ाया है तो यह बारह हजार हॉर्स पावर को इसमें एड किया है और इंजन का नाम है ट्वेल्व बी इंजन आई होप आप को समझ आया होगा ये कुछ रिविजन क्वेश्चन थे जो कि थे एट मे के आई होप आप को समझ आया होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूले चैनल को थैंक यू हैव अ नाइस डे